बिन लादेन का था। लादेन के मरने के बाद अमेरिका की सेना इसको खोज रही थी, आज इसको मार गिराया गया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 15 अगस्त के पहले हम लोगों को, भारतीय को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला, क्योंकि असम में भी इसका इन्वॉल्वमेंट था, उत्तर प्रदेश के संगठनों में, आतंकवादियों के मूवमेंट में, हिंदुस्तान में भी ये बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय था। इसका जाना आज हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, लेकिन राहत खत्म नहीं होती, क्योंकि अल जवाहिरी जैसे अनगिनत मरते हैं ये टेररिस्ट, तो अपने तरह 100-200 हज़ार पीछे अपने अल जवाहिरी और उसामा बिन लादेन छोड़ के जाते हैं। इन लोगों को खोज खोज के मार गिराना होगा। ये लोग नहीं तो ये लोग खत्म नहीं होंगे। एक अल जवाहिरी के मरने से आतंकवाद खत्म हो जाए या रुक जाए, ये पॉसिबल नहीं। लादेन के मरने के बाद भी आतंकवाद सक्रिय है, तो ये थॉट है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं ध्वस्त करना, ये लोग चाहते हैं भारत को समाप्त करना, भारत की एकता अखंडता को बर्बाद करना और हमेशा एक चिंता का विषय बनना और समाज में आके सोसाइटी को डर भय पैदा करके तुष्टीकरण की राजनीति पे एक समुदाय पे अटैक करके हत्या करना, और पंडितों पे हत्या रही या आम समाज पे रही या पार्लियामेंट पे अटैक रहा, तो ये सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो आज इसके जवाहिरी के जाने से, लेकिन मैं कहूँगा ऐसे बहुत सारे अल जवाहिरी, ऐसे बहुत सारे उसामा बिन लादेन अभी भी सक्रिय हैं, उसी तरह जैसे वो लोग। आपका कहना है कि जो रेडिकलाइजेशन हिंदुस्तान में बढ़ रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह की, ये संगठन सक्रिय है। हिंदुस्तान की जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुमत की सरकार आ रही है, जो यहाँ पर एक जागरूकता हो रही है, जो तिरंगे को लेकर अब एक जागरूकता, हर घर तिरंगा, ये सारी चीज़ें इन लोगों को कचोड़ती हैं, और हमेशा उसको दबाने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए ये संगठन सक्रिय हो जाता। 15 अगस्त के पहले भी ये संगठन दिखेगा, सक्रिय होगा, हम लोगों को सचेत रहना चाहिए। आप सांसद संजय सिंह हैं हमारे साथ। सर, जिस तरीके से अल जवाहिरी को मार गिराया गया है, बीजेपी कह रही है खासतौर से कि भारत में कई अल जवाहिरी छुपे हुए हैं। देखिए, ये अगर बीजेपी खुद कह रही है तो इसका मतलब बीजेपी फेल है। रवि किशन कह रहे हैं, बीजेपी ने रवि किशन जी को फिर डांट पड़ेगी प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का दावा है कि पूरे देश से आतंकवाद खत्म कर दिया उन्होंने, अल जवाहिरी हिंदुस्तान में कैसे घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये सरकार को खुद ही उनके सांसद लोग फेल बता रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए।